नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के द्विवेदी, सदस्य वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड CCRH आयुष मंत्रालय भारत सरकार। जैसा कि हम सभी लोग लॉकडाउन में अपने अपने घर में बैठे हैं और डॉक्टर्स, पुलिस तथा अन्य नर्सेस, सिस्टर्स, ब्रदर्स, जिनको भी जो जो जिम्मेदारी दी गई है वो सब अपना कार्य कर रहे हैं और हमारे सभी अधिकारी लोग अपना अपना कार्य बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही समय पर लॉकडाउन किया, जिसका आज परिणाम भी हमको देखने को मिल रहा है कि जिस गति के साथ दूसरे प्रदेशों में कोरोना की संख्या बढ़ी है मरीजों की, हमारे देश भारत में उतनी संख्या नहीं बढ़ पाई है। लेकिन आज भी एक परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही लोगों को कि जो मरीज भर्ती हो गए हैं वो मरीज अस्पताल से घर नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण संख्या की कमी नहीं आ रही है। हम लोग बचाव पर काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, बचाव की बातें भी काफ़ी हो चुकी है। मैं आज जो निवेदन करना चाहता हूं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से और चिकित्सा मंत्री माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी से कि प्रदेश में 2000 के ऊपर कोरोना वायरस के मरीज हैं, COVID-19 से पीड़ित मरीज हैं। वे मरीज जब से अस्पताल में भर्ती हुए हैं उनके डिस्चार्ज होने की जो गति है वो बहुत ही स्लो है। अगर डिस्चार्ज की बात करें तो लगभग 20% के आसपास ही है। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसे मरीज जो 15 दिन या 20 दिन से भी अस्पताल में भर्ती हैं या उससे ज़्यादा समय हो गया और उनको डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है, जो भी कारण हो, या तो वो पूरी तरह से अभी स्वस्थ नहीं हुए हैं या जो भी मेडिकल रीज़न हो, मैं उन सभी मरीजों को होम्योपैथिक दवाई देने की सलाह देना चाहता हूं। 28 जनवरी को आयुष मंत्रालय की एक बैठक में आदेश आया था, CCRH की एक बैठक चल रही थी 28 जनवरी 2020 को CCRH के हेडक्वार्टर दिल्ली में, जहां पर यह निर्णय लिया जाना था कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवाई है जो प्रिवेंटिव काम करेगी। उसके लिए आर्सेनिक एल्बम हम लोगों ने मीटिंग में डिसाइड करके मिनिस्ट्री को भेजा था और उसके पश्चात 29 जनवरी 2020 को आयुष मंत्रालय के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें आर्सेनिक एल्बम को बतौर प्रिवेंटिव दिए जाने की सलाह दी गई। लेकिन अब समय काफ़ी बीत चुका है, आज अप्रैल एंड की ओर है और पूरे देश में लगभग 30,000 के आसपास मरीज बढ़ गए हैं। 28-29 जनवरी को मरीजों की संख्या नगण्य थी और आज अप्रैल के एंड में मरीजों की संख्या 30,000 के आसपास पहुंच गई है और लगभग सभी प्रदेशों में मरीज हैं और मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि भी देखी जा रही है। लेकिन डिस्चार्ज जिस स्पीड के साथ होना था, अस्पताल से मरीजों की छुट्टी जिस तरीके से होनी थी, वो नहीं हो पा रही है। तो हमारा प्रयास है, मैं बतौर होम्योपैथिक चिकित्सक, बतौर साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मेंबर, यह रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे मरीज जो 15 दिन या 20 दिन के आसपास अस्पताल में एडमिट हैं, उनको जो भी ICMR ने गाइडलाइन दिया था उन गाइडलाइन को पालन करते हुए अगर ट्रीटमेंट देने के बाद भी उनका डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है या वो लोग स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे सभी मरीजों को मैं होम्योपैथिक दवाई देने की रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में 20 से भी अधिक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं, भोपाल में गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज है। मैं चाहता हूं कि एक होम्योपैथिक डॉक्टरों की टास्क फोर्स बनाई जाए, लगभग 8 से 10 डॉक्टर, जिसमें हम कॉलेजों के प्रिंसिपल लिए जाएं, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर लिए जाएं और एडवाइजरी कमेटी की मेंबर्स को भी ले सकते हैं। ऐसा एक टास्क फोर्स या एडवाइजरी कमेटी बनाई जाए जो यह डिसाइड करे कि जो मरीज अस्पताल में एडमिट हैं उनके क्या लक्षण हैं और वो क्यों नहीं डिस्चार्ज हो पा रहे हैं, उस आधार पर होम्योपैथिक दवाइयों का चयन किया जाए और ICMR से परमिशन लेकर के यह दवाई अगर ऐसे मरीजों को दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो जल्दी स्वस्थ होकर के अपने घरों को लौट जाएंगे और प्रदेश और देश में ऐसे मरीज जो अस्पताल में भर्ती हैं उनकी संख्या में कमी आएगी और जो प्रदेश और देश पर आर्थिक भार आ रहा है तथा अन्य प्रकार के भी भार मरीजों को अस्पताल में रखने से आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी सुविधा मिलेगी। मैं प्रदेश के आयुष सचिव जी से मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया, उनको लेटर भी भेजा कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के
आयुष सचिव यदि केंद्र के आयुष सचिव को लेटर लिख करके वहाँ से परमिशन लेते हैं तो वहाँ से परमिशन भी जारी हो जाएगी। मैंने यह बात CCRH के डायरेक्टर से भी किया और आयुष मंत्री माननीय श्रीपद नायक जी से भी किया था। वो लोग सहमत हैं यदि मध्य प्रदेश से आयुष के सचिव महोदय माननीय केंद्रीय आयुष मंत्री या आयुष सचिव भारत सरकार को पत्र लिख करके परमिशन मांगेंगे तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि इस प्रकार की परमिशन अवश्य मिल जाएगी। कई प्रदेश में जो उनके यहाँ COVID-19 के मरीज हैं उन पर होम्योपैथिक दवाई दी जा रही है, इसी अनुसार मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी होम्योपैथी की दवाई कोविड पॉजिटिव मरीजों को दिया जाए। काफ़ी स्तर पर प्रिवेंटिव प्रयास किया जा रहा है, मध्य प्रदेश का प्रयास काफ़ी सराहनीय है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। शिवराज सिंह चौहान जी तो निरंतर कार्य करते दिखते रहते हैं, हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे उनका प्रयास हो, चाहे लोगों से लाइव टॉक हो, चाहे उनका संदेश हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में यदि होम्योपैथिक दवाई को कोविड पॉजिटिव पेशेंट को दी जाती है तो मुझे लगता है यह प्रयास और अधिक सकारात्मक होगा और हमारे देश में जल्द ही मरीजों की संख्या में कमी आने लगेगी, क्योंकि मरीजों के संख्या में कमी लाना सबसे बड़ा प्रयास होगा। मुझे लगता है कि उस ओर कार्य करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। मैं डॉक्टर AK द्विवेदी, मेंबर साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी CCRH मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू।